आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का, आपके सामने सबसे कठिन जो घड़ी होती है, कठिन जो दिमाग में विचार होता है, समय होता है, चाहे आप कोई भी कार्य करें, किसी भी प्रकार का कार्य करें, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। घर के अंदर भी कि बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन कराना है, कहाँ जाना है, कौन सी नौकरी करें, क्या बिजनेस करें, कैसे काम को देखना है, किसी के साथ लेन देन करें ना करें, मित्रता करें ना करें, किससे क्या करना है, कैसा व्यवहार करना है, मतलब कोई भी कार्य है, किसी भी प्रकार का, जितने आप जानते हैं, सबके अंदर एक ही कि फैसला तो लेना पड़ेगा। और बिना फैसले के, बिना डिसीजन के कोई भी कार्य ना शुरू हो सकता है ना खत्म हो सकता है। ये सबसे सरल और सबसे जरूरी कार्य होता है कि हम, लेकिन ये फैसला ले कैसे। अब बात यह आती है, कुछ लोग नेगेटिव चले जाते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव चले जाते हैं, कुछ लोग संकल्प इतना मजबूत ले लेते हैं कि कुछ गलत डिसीजन ले लिया, उसी के ऊपर बैठ गए, लाइफ वहीं रुक गई, वहीं खराब हो गई। जैसे आपने सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो पैसा आपका डूब गया, गई आपकी तो लाइफ, पूरी उम्र की जीवन पूंजी, जमा पूंजी जो आपने इकट्ठा किया था, सब गायब। आप क्या करोगे, रोओगे बैठ करके, और तो कुछ होगा नहीं आपके पास। तो ये वो घड़ी होती है जब हमें फैसला लेना होता है। फैसला लेते समय हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जो हमारे जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उनके एक्सपर्ट से हमें बात करनी चाहिए। अगर हम उनसे बात नहीं कर पा रहे तो उनके काम को देखना चाहिए हमें कि वो कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने डिसीजन लिए हैं, उनके कितने कामयाब डिसीजन रहे हैं, कितने डिसीजन उनके नाकामयाब रहे हैं, कितना उनका एवरेज निकालने चाहिए हमें। और इस प्रकार से एक आदमी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, 5, 10, 20 उस फील्ड के जो आदमी हैं उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए किसी भी प्रकार से, और उसके बाद उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे किस प्रकार से काम हो और कैसे हमें नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है। फिर हमें उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, उस कार्य में घुस करके देखना चाहिए कि यार जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कहीं हमें फंसा तो नहीं रहे, हमें देखना चाहिए। ये सब कुछ हमें डाटा इकट्ठा करना चाहिए, विचार जो उस फील्ड के लोगों के हैं वो लेने चाहिए। फिर हमें क्या होता है कि जिसका सही, हमें सब कुछ अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर लेना चाहिए और हमें उस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए जो हमारी आत्मा गवाही देती है, क्योंकि कुछ जो फैसले होते हैं वो कर्म संस्कारों के प्रभाव से भी होते हैं, जो पिछले जन्म के होते हैं, कि आप फैसला कुछ लेना चाहोगे एकदम पल में बदल जाएगा, आप नेगेटिव जाना चाहोगे पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव जाना चाहोगे नेगेटिव चले जाओगे, आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, मैं तो यहाँ नहीं जाने वाला था, एकदम से कैसे निकल गया। और अगर वो फैसला, अगर पिछला जन्म का आपका कोई पुण्य मजबूत है तो आप ये भी बहुत, आपने देखा होगा कि परमात्मा ने मेरा तो ऐसे हाथ पकड़ा कि ऐसे उठा ले गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो इसमें प्रारब्ध भी साथ रहता है, आप के साथ के जो लोग उनका भी अनुभव प्रभाव करता है, और अंतिम जो निर्णय होता है वो आपके विवेक का होता है कि आपके अंदर अक्षमता कितनी है, आप अपने निर्णय के ऊपर कितना खरा उतर पाते हैं, कितना उस निर्णय पर ले करके कदम बढ़ाते हैं, कितना चल पाते हैं और किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं। हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए
बिना प्लानिंग के कोई भी किया गया किसी भी प्रकार का कार्य सफल नहीं होता। जब हमें ये नहीं पता चलेगा अगला कदम कहाँ रखना है, पिछला कदम उठा करके पिछला कदम उठ गया अगले का पता नहीं, गिरोगे ही, बर्बाद हो जाओगे। तो इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो मजबूत नहीं होते, लेकिन जो मजबूत निर्णय होते हैं वो चारों तरफ से देखभाल करके ले लिया निर्णय, फिर हम संकल्प करें और फिर उसके ऊपर प्लानिंग करें, प्लान को सर्च करें दो तीन बार देख करके अगर उसमें कुछ चेंज करना हो तो उसके ऊपर बहुत ध्यान रखें। आज कितने कदम चले, कल कितने चलना है, तीसरे दिन कितने चलना है, फिर हम इस प्रकार से उसको टारगेट करें और टारगेट करते करते आप अपने डिसीजन को भी समझ जाओगे कि हमने डिसीजन सही लिया है और उस डिसीजन के ऊपर खड़े भी हो पाओगे और प्लानिंग के अनुसार आप आगे बढ़ते भी जाओगे, आपको हानि भी नहीं होगी, आपको जीवन में नुकसान भी नहीं होगा। और जो ये आप सोच समझ के कदम बढ़ाओगे उठता चला जाएगा सब कुछ, जीवन में कभी पछताना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पछताना तभी पड़ता है जब गलत निर्णय हो जाते हैं, और जब सही निर्णय हो जाते हैं तो ना आपको पछताना पड़ेगा और सब कुछ आपके हक में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, आपको लाभ ही लाभ होगा।